So finally, I decided to create a dedicated YouTube studio for filming. And क्यों? Let's find out. तो ये मेरा एडिटिंग रूम है जिसमें मैं अपनी वीडियोस एडिट और शूट करता हूँ. तो अभी आप इस रूम में देख सकते हैं कि कितना मैस है. तो जब भी मुझे अपनी वीडियो शूट करनी होती है तो ये सारा मैस मुझे हटाना पड़ता है और उसके बाद अपना कैमरा सेटअप करना पड़ता है. तो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है. तो इसलिए हम अपना जो डेडिकेटेड फिल्मिंग स्पेस बना रहे हैं. तो अभी मैं आपको अपना सेकेंड रूम दिखा देता हूँ. और ये जो बीच वाला है सेकेंड रूम है. और इस रूम को मैं इसलिए फिल्मिंग के लिए कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें विंडो है और अकोस्टिक पैनल लगाने में दिक्कत होगी. तो ये मेरा थर्ड रूम है और इसको हम फिल्मिंग स्पेस में कन्वर्ट करने वाले हैं. और इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा मैस है जैसा कि आप देख सकते हो. तो अभी हम इस रूम को जल्दी से क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो सेटअप है इस पर लगाएंगे. तो ये जो बॉक्सेस आप देख रहे हो सब मैंने अमेजोन और फ्लिपकार्ट से जो प्रोडक्ट मंगाए हैं उसके बॉक्सेस हैं. और इन सबको हम बाहर करेंगे. और इस रूम में अभी पेंट भी नहीं हुआ है तो अभी के लिए हम ऐसे ही काम चलाएंगे और कुछ टाइम बाद इस रूम को हम पेंट भी करा देंगे. तो अभी मैं जल्दी से अपने रूम को क्लीन अप कर लेता हूँ. तो ये हमारा फिल्मिंग रूम है जो कि पूरा क्लीन हो चुका है. और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे हम बैकड्रॉप यूज़ करने वाले हैं और जो हमारा कैमरा और लाइटिंग सेटअप होगा वो इस साइड पे आएगा. और जो तीनों वॉल्स हैं उन पे हम एकॉस्टिक पैनल लगाने वाले हैं जिससे जो इको है आपको अभी सुनाई दे रहा होगा कि इको काफ़ी है इस रूम में क्योंकि ये रूम पूरा खाली है उसकी वजह से. तो एकॉस्टिक पैनल लगाएंगे तो उससे इको काफ़ी कम हो जाएगी. तो अभी जल्दी से मैं अपना जो डेस्क है वो मूव कर लेता हूँ. तो अभी जो डेस्क है वो मूव हो चुका है और अभी मैं बाकी का जो सामान है जल्दी से मूव कर लेता हूँ. और अभी मैं आपको अपना एडिटिंग रूम दिखा देता हूँ. तो जो डेस्क था वो यहाँ पे था और यहाँ से हमने अपने फिल्मिंग रूम में शिफ्ट किया है डेस्क को. तो ये रूम काफी खाली खाली लग रहा है. तो ये दो न्यू लाइट्स हैं जो हम यूज करने वाले हैं अपने बैकग्राउंड में. तो जल्दी से मैं इन्हें इंस्टॉल कर लेता हूँ बैकग्राउंड में. तो ये दोनों लाइट्स हैं जो बैकग्राउंड में हम यूज करने वाले हैं. तो ये हो गया हमारा अपना की मेन की लाइट और ये दोनों हो गई हमारी बैकग्राउंड वॉल लाइट. और इसके अलावा हम एक और लाइट यूज करने वाले हैं एफ बैक लाइट. तो ये डिजिटेक की रिचार्जेबल LED लाइट है और इसे हम ऐसे बैक लाइट यूज करेंगे. और इसमें इसका आप टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं येलो और ब्लू में. और इसे हम LED स्टैंड पे माउंट करने वाले हैं. तो इसे मैं जल्दी से माउंट कर लेता हूँ. तो अभी आप देख सकते हो जो बैक लाइट है मैंने अपने बैकग्राउंड में माउंट कर दिया है और यहाँ पे आपको बैक लाइट दिखाई दे रही है. तो अभी जो फुटेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और बैकग्राउंड में हम बाद में कुछ और भी चीज़ें यूज करेंगे इसे डेकोरेट करने के लिए. तो फाइनली जो मेरा सेटअप है वो रेडी हो चुका है. और पहले यहाँ पे जो डेस्क था वो फिटिंग डेस्क था और इसे मैंने स्टैंडिंग डेस्क से चेंज किया है. तो जो बैकग्राउंड वॉल है मुझे काफ़ी खाली खाली लग रही थी तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने साइड में फेक प्लांट को लगाया है और इससे जो लुक है बैकग्राउंड की काफ़ी एनहेंस हो गई है. और अभी जो राइट साइड वाली वॉल है वो भी खाली है तो इसमें भी कुछ डेकोरेटिव आइटम मैं ऐड करूँगा और इससे भी काफ़ी अच्छी लुक आएगी. तो अभी मैं आपको अपना जो सेटअप है एक बार दिखा देता हूँ. तो अभी आप देख सकते हैं जो सेटअप है ऐसा लग रहा है. और ये मेरा न्यू स्टैंडिंग वाला डेस्क है और इस पर हम अपनी जो सारी वीडियोस है रिकॉर्ड करेंगे. और उसके बाद मैं मेन की लाइट यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे मेरा लैपटॉप है और इसके बाद यहाँ पे हम ऑडियो इंटरफेस विद माइक यूज़ कर रहे हैं कंडेंसर माइक. और उसके बाद दो फेक प्लांट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और एक बैकग्राउंड में. और उसके बाद दो लाइट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं बैकग्राउंड को लाइट अप करने के लिए. और अभी आप सिनेमैटिक एंजॉय करो.
सो दिस विल बी माई डेडिकेटेड फिल्मिंग स्पेस फॉर फ्यूचर वीडियोज। और इसे बनाने में काफ़ी टाइम और पैसा दोनों लगा है, और इस सेटअप का मुझे ये एडवांटेज रहेगा कि मैं यहाँ पे कभी भी शूट कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो भी सेटअप मैंने किया है ये परमानेंट ऐसे ही रहेगा, एक्सेप्ट कैमरा मूव हो सकता है, लेकिन बाकी जो सामान है, लाइटिंग है, सब सेम टू सेम रहेगी। और जब भी मुझे कोई वीडियो शूट करनी होगी तो मुझे बार बार सेटअप नहीं करना पड़ेगा, और इससे मेरा काफ़ी टाइम सेव होगा और मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होकर वीडियोस को भी बना पाऊँगा। और आपको ये सेटअप कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और इस सेटअप में मैं कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ कर रहा हूँ उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, और अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगी है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को आप लाइक भी कर देना। और इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सो गुड बाय।